एक समय की बात है कि नारद जी उनके मित्र के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण करने जाते हैं। वहां पर देखा हर व्यक्ति परेशान है, रोग शोक से घिरा हुआ है, अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, धर्मधारी घटते जा रहे हैं, बड़े दुखी। सोचते हैं कि इसका क्या उपाय होगा, क्या करें, कैसे इनके दुख दूर करवाएं। मन में बात आती है कि हर समस्या को उपाय है केवल एक के पास, कौन? भोले बाबा शिव जी। अब महाराज नारद जी सीधे पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी कहते कैसे आना हुआ? नारद जी कहते प्रभु मैं अभी मृत्यु लोक का भ्रमण करके आया, मैंने वहां देखा लोग बड़े परेशान हैं, अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, धर्मधारी घटते जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपको अमर विद्या का ज्ञान है, तो आपकी वो जो अमर कथा है आप वो सभी को सुना दो, सब अमर हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए महाराज, नाम से समझ आ रहा अमर कथा, मतलब जिस व्यक्ति ने सुन ली वो सीधे अमर। शिव जी कहते वो अमर कथा है, ऐसे थोड़ी सबको सुना दूंगा। अरे यदि सभी को सुना दी तो जो व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं होगा वो भी सुनकर अमर हो जाएगा, अमर कथा सभी को नहीं सुना सकते, पर नारद जी को तो अमर कथा सुनना है, कैसे सुने? अब शिव जी ने तो मना कर दिया, ज्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि भोले बाबा का स्वभाव कैसा है, जितने जल्दी वो कृपा करते हैं उतने जल्दी क्रोधित भी हो जाते। तो नारद जी कहते कि अब ज्यादा बोल भी नहीं सकता वरना क्रोधित हो जाएंगे। तो उस समय तो वापस आ गए हैं, पर अब सोच रहे हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे अमर कथा सुनने को मिले। महाराज मन में बात आती है यदि अमर कथा सुनना है तो पार्वती जी को भड़काना पड़ेगा। यदि एक बार पार्वती जी को कह दिया तो कुछ भी हो जाए शिव जी को अमर कथा सुनाना पड़ेगा। अब योजना बनाई। अब जब महाराज जाते पार्वती जी के पास तो हमेशा शिव जी और पार्वती जी साथ ही साथ, अब साथ रहते तो नारद जी जानते हैं कि भोले बाबा के सामने तो कुछ कह नहीं सकता, हमेशा वापस आ जाते, रोज जा रहे हैं। लेकिन एक दिन योग की बात थी कि आज भोले बाबा को कुछ काम आ, काम से बाहर चले गए। नारद जी कहते आज अच्छा अवसर है, ये अवसर नहीं छोड़ना। नारद जी महाराज तुरंत पहुंच गए पार्वती जी के पास। अब देखिए नारद जी कहीं भी जाते हैं तो कैसे जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए, ऐसे नारायण नारायण करते पहुंचे। पार्वती जी कहती कैसे आना हुआ? नारद जी कहते देखिए देवी, बात घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधी बात करूंगा। पार्वती जी कहती हुआ क्या, बताइए तू क्या बात है? नारद जी कहते हैं मैंने ऐसा सुना है कि आप में और शिव जी में बहुत प्रेम है। पार्वती जी बड़े गर्व के साथ कहती हैं हाँ हाँ वो तो है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है। नारद जी कहते अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि शिव जी आपसे कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ बताते। बड़ी खुश है पार्वती जी, मुस्कुरा कर कहती सब बताते कुछ नहीं छुपाते हमसे। नारद जी कहते तो अमर कथा तो सुना ही होगी। अब महाराज अमर कथा पार्वती जी ने नहीं सुनी थी। पार्वती जी कहती अमर कथा क्या है? नारद जी कहते लो अमर कथा नहीं सुनाई, चलो कोई बात नहीं, हमें लगा सब बताते तो ये भी बताया होगा, ठीक है बस यही जानना था, हम चलते हैं। समझ गए आग तो लगा दी, चलते बनो। तो नारद जी वहां से चले। अब देखिए महाराज ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, आप एक बात के 10 मतलब निकालते हो। तो ऐसे ही अब पार्वती जी भी सोच रही, अभी तो अमर कथा नहीं सुनाई, ऐसी कितनी बातें होंगी जो मुझसे छुपा कर रखी होंगी, आ जाने अच्छे से खबर लूंगी। तो जैसे शिव जी का आना हुआ
अब पहले जब कहीं से आते थे तो पार्वती जी बड़े अच्छे से स्वागत करती हैं, जल देती हैं, भांग का गोला देती हैं, भोजन प्रसादी देती हैं, देखकर मुस्कुराती हैं। आज वैसा कुछ नहीं। शिव जी आए, आकर बैठ गए, पार्वती जी बोली तक नहीं। शिव जी समझ गए कोई ना कोई बात जरूर है। देवी क्रोधित है, पर जानना है कि क्रोध है किस बात का, अब हमने क्या कर दिया जो हमें ही नहीं पता। तो शिव जी बात निकाल रहे, कहते हैं देवी क्या बात है, गणेश और कार्तिक कहीं नहीं दिख रहे। पार्वती जी कहती मुझे क्या पता, अरे खेल रहे होंगे कहीं, दिन भर तो काम में लगी रहती हूं। समझ गए जिस तरह से बोला है आज तो बड़े क्रोध में, अब ये जानना है हमने किया क्या। बड़े संकोच में कह रहे हैं देवी तनिक भांग मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। महाराज अब तो पार्वती जी का क्रोध सातवें आसमान पर। पार्वती जी कहती आज तो बता ही दो, अरे कैसे ब्याह कर लाए हो इस घर में, जब से आई हूं दिन भर एक के लिए लड्डू बनाते रहो, दूसरों के लिए भांग पीसते रहो। शिव जी कहते हुआ क्या है, आप क्रोध में क्यों हो। पार्वती जी कहती अमर कथा क्या है। समझ गए काम किसका है, सोचते नारद जी से बाद में बात करेंगे, पहले ने तो समझाएं। कहते क्या हुआ आज एकदम से बात। पार्वती जी कहते अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। शिव जी कहते बात नहीं निकली तो नहीं सुनाई, अरे सुना देंगे उसमें इतना क्रोधित होने वाली कौन सी बात है। पार्वती जी कहती तो क्यों नहीं सुनाई। भगवान कहते गलती हो गई, सुना देंगे, क्यों क्रोधित हो रहे हो। अब महाराज शिव जी सोच रहे हैं कि स्त्रियों को भड़काना बड़ी छोटी बात है, और सच भी है आप बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाते। पार्वती जी कहती हैं अब जब तक आप मुझे अमर कथा नहीं सुनाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। महाराज जिद पकड़ ली। शिव जी कहते हैं ठीक है हम आपको अमर कथा सुनाते हैं, पर अमर कथा ऐसे नहीं सुना सकते, उसके लिए एकांत में चलना पड़ेगा, आराम से बैठना पड़ेगा जहां कोई ना हो, क्योंकि किसी और ने सुन ली तो वो भी अमर हो जाएगा। अब महाराज भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के जाते हैं कैलाश पर्वत पर। जैसे ही वहां पहुंचे सबसे पहले भोले बाबा एक ताली बजाते हैं। अब इस ताली का क्या अर्थ है कि वहां पर जितने भी जीव जंतु हैं वो कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत छोड़ करके चले जाए। पार्वती जी देख रही अब चारों तरफ से पशु पक्षी जा रहे हैं। कुछ समय बाद दूसरी ताली बजाई, इसका क्या अर्थ कि अब उनका त्रिशूल जाएगा, जाकर के देख करके आएगा कि कोई है तो नहीं। शिव जी पार्वती जी से कहते कि देवी एक बार आप भी देख लो अपने नेत्रों से कि कोई दिख तो नहीं रहा, कोई बचा तो नहीं है। जब पार्वती जी देखती हैं तो नजर पड़ती है कि एक वृक्ष के ऊपर एक तोती का अंडा रखा है। अब पार्वती जी सोचती हैं इसमें से तो शुक बालक को जन्म लेने में बहुत समय लगेगा, अभी थोड़ी जन्म लेगा कोई। वो कहती थी नहीं नहीं कोई नहीं है, आप अमर कथा सुना सकते हैं। भोले बाबा कहते देखो जब हम अमर कथा सुनाएंगे तो कुछ बातें ध्यान में रखना। पहली बात तो ये कि जब अमर कथा सुनाई जाती है तो उस समय हमारे नेत्र बंद रहेंगे, और दूसरी बात जब अमर कथा सुनाते हैं तो उस समय निंद्रा देवी परीक्षा लेने आती है। अब हमें पता होना चाहिए आप कथा सुन रहे हो, तो इसलिए आप हुंकार भरते रहना, हम स्वामी कहते रहे। अब जितनी भी स्त्रियां बेटियां भली बातें जानती हैं, जब आप कोई व्रत इत्यादि करते हैं तो उनमें कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, उसमें आप हुंकार भरते हैं। ये शुरुआत तब से हुई है। पार्वती जी कहती हैं ठीक है महाराज। अब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी पहले तो बड़े ध्यान से सुन रही हैं, हम स्वामी के। लेकिन कुछ समय बाद हिमाचल राज पर्वत की पुत्री पार्वती जी की परीक्षा लेने आ चुकी हैं
निंद्रा देवी, और पार्वती जी चली गई है निंद्रा देवी के आगोश। उसी समय वो जो अंडा रखा हुआ था उसमें से वो शुक बालक जन्म लेता है, और अब पार्वती जी की जगह वो शुक बालक अमर कथा सुन रहे हैं, और वो शुक बालक हम स्वामी के। तो शिव जी को लग रहा है मानो पार्वती जी ही हुंकार भर रही है। तो जब कुछ समय पश्चात कथा विश्राम होती है, नेत्र खोले, सामने देखा तो पार्वती जी तो सो रही, बड़े क्रोधित हुए, चारों तरफ देखा, नजर पड़ी एक वृक्ष के ऊपर एक शुक बालक बैठा है, वो शुक बालक हुंकार भर रहा है, बड़े क्रोधित। तुरंत पार्वती जी को उठाया, देवी उठी, अनर्थ हो गया। पार्वती जी घबरा कर उठी, स्वामी क्षमा करना, भगवान की तो ये सब बातें बाद में, अरे इन सब के चक्कर में एक शुक बालक मेरा ज्ञान चुरा कर भाग रहा है, बड़े क्रोध। महाराज त्रिशूल धारण कर लिया, उस शुक बालक से कह रहे आज नहीं छोड़ूंगा। उस शुक बालक आगे आगे बोले बाबा पीछे पीछे। अब उस शुक बालक भी घबरा गया, नेत्र लाल है इतने क्रोध में। तो कुछ समय बाद रास्ते में ही वेद व्यास जी की कुटिया पड़ती है, उस शुक बालक उस कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे कुटिया में प्रवेश किया तो शिव जी भी पहुंचे, तो उस समय वेद व्यास जी की जो पत्नी है वो उबासी लेती है। अब जैसी उबासी ली तो शुक बालक उनके मुख से होते हुए गर्भ में जाकर के छुप गए। पीछे से शिव जी आए, वेद व्यास जी कहते प्रभु दर्शन तो दिए इतने क्रोध में, क्या हो गया? अब शिव जी पूरा घटनाक्रम सुना रहे हैं कि वो हमारा ज्ञान चुरा कर भागा है। वेद व्यास जी कहते बिल्कुल मत छोड़ना, ज्ञान से बढ़कर वैसे भी कुछ नहीं। अब ये सारी की सारी बातें महाराज वो शुक बालक तो घर में बैठ करके सुन रहा है, बड़ा घबरा गया है, परेशान हो गया है। तो हाल ये है करीब 12 वर्ष बीत गए, वो शुक बालक गर्भ से बाहर नहीं आया। अब जब तक वो गर्भ में है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं जिससे शिव जी उनसे प्रसन्न हो जाए। आइए महाराज उनके साथ मिलकर के हम सभी भी प्रार्थना करते हैं।